कृष्ण ने अपने गीता में कहा है कि योग क्षेम वहां में हम, इसका मतलब है पहले योग, पहले वो क्षेम कहते, पहले उन्होंने योग कहा उसके बाद क्षेम कहा। क्षेम का मतलब होता है आपका वेल बीइंग, आपका लक्ष्मी तत्व, पर पहले योग होना चाहिए। जब तक योग नहीं होता तब तक परमात्मा से आपसे कोई मतलब नहीं। आपको पहले योग माने परमात्मा से मिलन होना चाहिए, आपके अंदर आत्मा जागृत होनी चाहिए। जब आपके अंदर आत्मा जागृत हो जाती है तब आप परमात्मा के दरबार में असल में जाते हैं, नहीं तो आप रट्टू तोते के जैसे कहा करते हैं, जो कुछ भी बात है बाहर ही रह जाती है। अंदर का आपा जब तक आप जानते नहीं, जब तक आप अपने को पहचानते नहीं, तब तक आप परमात्मा के राज में आते नहीं, और इसीलिए आप उसके अधिकारी नहीं हैं जो परमात्मा ने कहा हुआ है। बहुत से लोग परमात्मा को इसका दोष देते कि हम तो इतनी परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, इतनी हम पूजा कर रहे हैं, इतने सर के बल खड़े होते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, सुबह से शाम तक रटते बैठते हैं, तो भी हमें परमात्मा क्यों नहीं मिलता। वास्तविकता परमात्मा से बात करने के लिए तक आपका उनसे संबंध होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। जब तक आपका योग घटित नहीं होता तब तक क्षेम नहीं हो सकता। क्षेम का मतलब है आपके चारों तरफ से रक्षा, जो लक्ष्मी तत्व हमारे अंदर है वो जागृत हो जाता है। कृष्ण ने सिर्फ ये कहा कि वहां में हम मैं करूंगा, पर कैसे करूंगा सो नहीं कहा, सो मैं आपसे बताती हूँ वो किस तरह से होता है। जिस वक्त योग घटित होता है तब कुंडलिनी त्रिकोणाकार अस्थि से उठ करके ब्रह्मरंध्र को छेदती थी। जब कुंडलिनी की शक्ति ब्रह्मरंध्र को छेदती है तब उसमें ज्योत आ जाती, क्योंकि आत्मा की ज्योत वो पा लेती, और उस ज्योत के कारण नाभि चक्र में जो लक्ष्मी तत्व है वो जागृत हो जाता है। जैसे ही लक्ष्मी तत्व आप में जागृत हो जाएगा, चारों तरफ से आप देखिएगा आपकी खुशहाली रहेगी। कोई आदमी रईस हो जाए जिसको हम पैसे वाला कहते हैं, वो जरूरी नहीं कि वो खुशहाल है। अधिकतर पैसे वाले लोग महादुखी होते, जितना पैसा होगा उतने ही वो गधे होते हैं, उसने उनके घर के अंदर गंदगी आती, शराब, दुनिया भर की चीज, मक्कारीपन, झूठापन, हर तरह की चीज उनके अंदर रहती है। हर समय डर भय कि अभी गवर्नमेंट आके पकड़ती है, कि खाती है, कि हमारा पैसा जाता है, कि ये होता है वो होता है। तो जो बहुत रईस लोग हैं वो भी कोई लक्ष्मीपति नहीं, क्योंकि उनके अंदर लक्ष्मी का तत्व नहीं जागृत हुआ है, सिर्फ पैसा कमा लिया। पैसा उनके लिए मिट्टी जैसा है, उससे कोई उनको सुख नहीं है। लक्ष्मी का तत्व समझना चाहिए। मैंने पिछली मरतबा बताया था कि लक्ष्मी कैसी बनाई हुई है, उसके हाथ में दो कमल है जो गुलाबी रंग के हैं, और एक हाथ से वो दान करती है और एक हाथ से आश्रय देती है। गुलाबी रंग का द्योतक होता है प्रेम। जिस मनुष्य के हृदय में प्रेम नहीं है वो लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। उसका घर ऐसा होना चाहिए जैसे कमल का फूल होता है। कमल के फूल के अंदर भंवरे जैसा जानवर जो कि बिल्कुल शुष्क होता है, इसके कांटे चुभते हैं अगर आप हाथ पे लीजिए तो, उसको तक वो स्थान देता है, अपनी गाभा पर उसको सुलाता है, उसको शांति देता है। लक्ष्मीपति का मतलब यह है कि जिसका दिल बहुत बड़ा हो, जो अपने घर आए हुए अतिथियों को किसी को भी अत्यंत आनंददायी होता है, वो लक्ष्मीपति होता है। लेकिन अधिकतर आप रईस लोग देखते हैं कि वहां भिखारी होते हैं, उनके घर आप जाइए तो उनके एकदम जान निकल जाती कि मेरे दो पैसे खर्च होंगे। जिस आदमी को हर समय ये फिक्र लगी रहती है कि मेरे आज चार पैसे यहाँ खर्च हो रहे हैं, दो पैसे वहां खर्च हो रहे हैं, इसको जोड़ के रखो, उसको कहाँ बचाओ, इसको क्या काटू, वो आदमी लक्ष्मीपति नहीं। कंजूस आदमी लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। जो कंजूस है वो कंजूस है, वो लक्ष्मीपति नहीं। कंजूस आदमी दरिद्री होता है, महादरिद्री होता है, उसमें कोई बादशाहत नहीं होती। जिस आदमी की तबीयत में बादशाहत नहीं होती उसको लक्ष्मीपति नहीं कहना चाहिए। जो आदमी बादशाही होता है वो चाहे गरीबी में रहे चाहे अमीरी में रहे, वो बादशाह होता है। बादशाह के जैसा रहता है, छोटी छोटी चीज के पीछे में, दो दो पैसे के पीछे में, दो दो कौड़ी के पीछे में, इसके पीछे में, उसके पीछे में परेशान होने वाला लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। उसी लिए लक्ष्मी तत्व फिर जागृत नहीं होता, इसलिए नाभि चक्र की बड़ी जोर की पकड़ हो जाती, मटेरियलिज्म आ जाता है उस आदमी के अंदर, जड़वादी हो जाता है, छोटी छोटी चीज का उसको बड़ा ख्याल, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा बेटा, ये मेरा फलाना, ये ढिकाना, ये सारी चीज जिस आदमी में आ गई वो लक्ष्मीपति नहीं।
इसकी चीज मारूं कि उसकी चीज मारूं, कि ये लूं कि वो लूं, कि सब मेरे लिए होना चाहिए। इस तरह से जो आदमी सोचता है वो भी लक्ष्मीपति नहीं, जो दूसरों के लिए सोचता है। अगर मेरा अच्छा आलिशान मकान है तो इसमें कितने लोग आकर बैठेंगे, अगर मेरे पास आलिशान चीजें तो कितने लोगों को आराम होगा, कैसे मैं दूसरों का स्वागत कर पाऊंगा, कैसे मैं दूसरों की मदद कर पाऊंगा, किस तरह से मैं उनको अपने हृदय में स्थान दूंगा, मदद का भी सवाल नहीं उठता। आदमी ये सोचता कि ये मेरे ही अपने हैं, इनके साथ जो भी मैं करना मैं अपने साथ कर रहा हूं, तब असली लक्ष्मी तत्व जागृत हो जाता है। कमल के जैसा उसका रहन सहन, उसकी शक्ल होनी चाहिए, सुरभित होना चाहिए ऐसा आदमी, न कि उसे हर समय घमंड की बदबू आए, अत्यंत नम्र होना चाहिए। कमल का फूल हमेशा, आपने देखा है, उसमें एक ऐसी हमेशा थोड़ी सी झुकान रहती है। कमल कभी भी ऐसा खड़ा नहीं होता है, तो थोड़ी सी झुकान जरूर डंठल में आ जाती है। उसी प्रकार जो कम से कम जो लक्ष्मी जी के हाथ में कमल है, दोनों में इसी तरह की सुकुमारता है। दूसरों से बात करते वक्त वो बहुत ठंडी तबीयत से, आनंद से, प्रेम भरा इस तरह से बात करता है। झूठा नहीं होता, कोई प्लास्टिक के नहीं होते हैं वो कमल, असल में होते हैं। ऐसा मनुष्य असल में कमल के जैसा होना चाहिए। एक हाथ से वो दानी होना चाहिए, उसके हाथ से दान बहते ही रहना चाहिए, बहते ही रहना चाहिए। हमने अपने पिता को ऐसे देखा है, पिता की अपनी बात हम देखते हैं बहुत बार, बहुत दानी आदमी थे, देते ही रहते थे।